सप्लीमेंट्री चैप्टर का द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का शेष बचा हुआ पार्ट हम देखेंगे। चलिए जो बचा हुआ पार्ट है उसको देखते हैं। सो इसलिए विद स्पेड्स, स्पेड्स का मीन्स होता है फावड़े से, और सावेल्स का मीन्स होता है कुदालों से। इसलिए फावड़े और कुदालों से द ग्रासी नॉल, हरे टीले को, ग्रासी का मीन्स होता है हरा, नॉल का मीन्स होता है टीला, हरे टीलों को वेयर, जहाँ पर द बॉयज प्लेड, वेयर जहाँ पर द बॉयज लड़के प्लेड खेला करते थे, वाज ओवर टर्न, उसको पलट दिया गया। हरा टीला जहाँ पर लड़के खेला करते थे उसको क्या कर दिया गया, ओवर टर्न का मीन्स होता है पलटना, पलट दिया गया। द बॉय, वह लड़का हु, जो हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो स्वयं जज बना करता था, वाज सोरोफुल, वह दुखी था। जज का मीन्स होता है न्यायाधीश। ही फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट। ही फेल्ट, वह महसूस किया दैट कि समथिंग वेरी डियर टू हिम, समथिंग का मीन्स होता है कुछ वेरी डियर, बहुत प्रिय, टू हिम उसकी, उसकी सबसे प्रिय वस्तु, वाज बीइंग टेकन अवे, उसे छीनी जा रही है। टेकन अवे का मीन्स होता है दूर हो जाना, मतलब छीनी जा रहा है। एट लास्ट, अंत में, द लेबरर्स केम, मजदूर लोग आए, के ऑन समथिंग, कुछ चीज़ों के साथ, अंत में मजदूर लोग कुछ चीज़ों के साथ आए। दे अनकवर्ड इट, वे इसको पलट दिए, दे मतलब वे, इट मतलब कवर्ड का मीन्स होता है ढकना, अनकवर्ड मतलब उसको पलट दिए। एंड फाउंड अ स्लेब, और एक पटिया पाए, स्लेब का मीन्स होता है पटिया, आप ब्लैक मार्बर, काले संगमरमर की, काले संगमरमर की एक पटिया पाए, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स, जो हाथों पर टिका हुआ था, एंड विंग्स पंखों पर, सपोर्ट का मीन्स होता सहारा देना, जो हाथों पर और पंखों पर सहारा टिका हुआ था। अब 25 स्टोन एंडल, 25 पत्थर के देवदूतों पर। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, श्योरली निश्चित रूप से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत बड़े उत्साह के साथ, रिजॉइसिंग का मतलब होता है उल्लास के साथ, ग्रेट का मीन्स होता है बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा उत्साह के, उल्लास के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, इसको शहर लाया गया, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के बड़े कमरे में इसको रखा गया। प्लेस्ड का मीन्स होता है रखना, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, हॉल का मीन्स होता है बड़ा कमरा, ऑफ जस्टिस का मीन्स होता है न्याय, और इसे न्याय के बड़े कमरे में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 डेज प्रेयर फास्टिंग एंड अनाउंस, द किंग ऑर्डर, राजा ने आदेश दिया हिज पीपल, अपने लोगों को, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया टू ऑब्जर्व 3 डेज प्रेयर, 3 दिन की प्रार्थना के साथ, फास्टिंग व्रत रखते हुए, अनाउंस और यह भी घोषणा किया दैट कि ऑन द 4th day चौथे दिन ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, दैट ऑन द 4th day चौथे दिन ही वुड असेंड, वह बैठेंगे द थ्रोन सिंहासन पर, पब्लिकली का मीन्स होता है सार्वजनिक रूप से, वह सार्वजनिक रूप से चौथे दिन सिंहासन पर बैठेंगे। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह महान सुबह आई, क्राउड असेंबल, क्राउड्स का मीन्स होता है भीड़, असेंबल का मीन्स होता है एकत्रित होना, भीड़ एकत्रित थी, टू सी देखने के लिए, द किंग राजा को, टेक ही सीन अपने सिंहासन को लेते समय, वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, और ये सभी जो देखने के लिए आए थे, वॉकिंग का मीन्स चलते हुए, थ्रू द लॉन्ग लंबे हॉल्स होते हुए, केम द जजेस, पुजारी लोग आए थे, एंड प्रिस्टेस, जजेस न्यायाधीश लोग आए थे, प्रिस्टेस पुजारी लोग आए थे, ऑफ द किंगडम राज्य के, राज्य के न्यायाधीश लोग और पुजारी लोग आए थे, फॉलोड जो अनुसरण कर रहे थे, बाय द किंग राजा का, जो राजा का अनुसरण कर रहे थे, देन तब एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, और आए जैसे ही वे न्याय सिंहासन के पास पहुँचे, दे पार्टेड इंटू टू रोज, दे मतलब वे पार्टेड का मीन्स होता डिवाइड हो गए, विभाजित हो गए इंटू टू रोज, दो पंक्तियों में। द किंग वॉक्ड, राजा चल रहे थे, इन द मिडिल मध्य में, वोड हिज हेड, अपने सिर को झुकाए, इन रिवेंस सम्मान में, रिवेंस बोर्ड का मीन्स होता झुकाना, हिज हेड अपने सिर को, इन रिवेंस सम्मान में, अपने सिर को झुकाए मतलब उस सिंहासन के सम्मान में। एंड वेंट, गए स्ट्रेट सीधे टू द मार्बल स्लेब, संगमरमर की पटिए के पास गए, मार्बल का मीन्स होता है संगमरमर, स्लेब का मीन्स होता है पटिया, और सीधे संगमरमर की पटिए के पास गए। वेन, जब द किंग वाज अबाउट टू सीट ऑन द थ्रोन, जब राजा
सीट मतलब बैठने वाले थे ऑन द थ्रोन मतलब सिंहासन पर। जब राजा सिंहासन पर बैठने वाले थे वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पीक। एंजल्स का मीन्स होता है देवदूत, बिगिन का सेकेंड फॉर्म होता है बिगेन टू स्पीक बोलना। एक एक देवदूतों में से एक बोलना शुरू किया, स्टॉप रुको, ईट सेड यह कहा मतलब वो कहा, डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो दैट कि यू आर वर्दी तुम योग्य हो टू सीट बैठने के लिए ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। वर्दी का मीन्स होता है योग्य। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम दैट वर नॉट योर ओन। क्या तुमने कभी नहीं इच्छा की है टू रूल शासन करने की ओवर किंगडम उन राज्यों पर दैट वर नॉट योर जो तुम्हारा अपना नहीं था। फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ आंसर कुछ समय के लिए राजा आंसर के बारे में नहीं सोच सके। थिंक का मीन्स होता है सोचना, आंसर का मीन्स होता है उत्तर। ही न्यू वह जानते थे हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, अनजस्ट का मीन्स होता है अन्याय। वह जानते थे कि उनका जीवन अन्यायपूर्ण है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस लंबी चुप्पी के बाद, साइलेंस का मीन्स होता है शांत या चुप। ही स्पोक वह बोले, नो नहीं। ही सेड वह बोले, आई एम नॉट वर्दी मैं योग्य नहीं हो। वर्दी का मीन्स होता है योग्य। गो तब देन द गो जाओ देन तब एंड फास्ट व्रत रखो एंड प्रे प्रार्थना करो फॉर थ्री डेज तीन दिनों के लिए। ही सेड वह सेड द एंजल देवदूत ने बोला, देवदूत ने बोला सो दैट ताकि यू मे प्यूरिफाइड योर सेल्फ ताकि तुम स्वयं को शुद्ध कर सको एंड बी वर्दी और योग्य हो सको टू सीट्स बैठने के लिए अंदर थ्रोन मतलब सिंह तब तुम सिंहासन के बैठने के योग्य हो सको। विद दीज वर्ड्स इन्हीं शब्दों के साथ इट स्प्रेड इट्स विंग वो अपने पंखों को फैलाया एंड फ्लू अवे और दूर उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ राजा ने स्वयं को तैयार किया। प्रिपेयर का मीन्स होता है तैयार करना। राजा ने स्वयं को तैयार किया विद प्रेयर प्रार्थना के साथ एंड विद फास्टिंग और व्रत को रखते हुए टू कम अगेन पुनः आने के लिए। सीट द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। बट लेकिन दिस टाइम इस समय अगेन पुनः इस समय द सेम थिंग हैपेंस समान चीज घटित होती है। सेम का मीन्स होता है समान, थिंग का मतलब चीज होती है, हैपेंड का मीन्स होता है घटित होना। अनादर स्टोन एंजल दूसरा पत्थर का दूत आस्क्ड हिम उनसे पूछा इफ ही हैड नेवर डिजायर नेवर का मीन्स कभी नहीं, डिजायर का मतलब इच्छा करना। क्या वह कभी नहीं इच्छा किए टू पोजेस अधिकार रखने का टू रिचेस ऑफ अदर दूसरों की संपत्तियों पर। पोजेस का मीन्स होता है अधिकार रखना, रिचेस का मीन्स होता है संपत्तियों, ऑफ अदर्स मतलब दूसरों का। क्या वह दूसरों की संपत्तियों पर कभी नहीं इच्छा अधिकार करने की इच्छा नहीं किए हैं। द किंग एडमिटेड राजा ने स्वीकार किया, एडमिट का मीन्स होता है स्वीकार करना मानना, दैट कि ही हैड डन सो वह वैसा किए थे एंड देयर फोर और इसलिए ही वॉज नॉट वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य इसलिए वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन बैठने योग्य नहीं थे। इन दिस वे इस तरीके से वेन एवर जब कभी द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन इस तरीके से जब कभी राजा ट्राइड का मीन्स प्रयास करते उपाय मतलब ग्रहण करने द थ्रोन मतलब सिंहासन को। इस तरीके से जब कभी राजा सिंहासन को ग्रहण करने का प्रयास करते ही वॉज क्वेश्चन बाई एन एंजल उनको एक देवदूत के द्वारा प्रश्न किया जाता एंड ही हैड टू विदड्रा और उनको हटना पड़ता। विदड्रा का मतलब विदड्रा का मीन्स होता हटना। दिस वेंट ऑन टिल या तब तक चला ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग दी मार्बल स्लेब। मार्बल स्लेब का मीन्स होता है संगमरमर के पटिए में जब तक एक देवदूत शेष नहीं बच गया। द किंग राजा वेंट नियर द थ्रोन सिंहासन के पास गए विद ग्रेट कॉन्फिडेंस बहुत आत्मविश्वास के साथ। फार क्योंकि ही फेल्ट वह महसूस किए श्योर निश्चित रूप से आप बीइंग अलाउड उनको स्वीकृति मिल जाएगी। अलाउड का मीन्स होता है अनुमति। टू टेक लेने के लिए हिज प्लेस अपने जगह को दैट डे राजा ने बहुत आत्मविश्वास के साथ गए कि उस दिन उनको सिंहासन पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी। बट लेकिन आए जैसे ही केम नियर द सीट जैसे ही वह सिंहासन के पास आए द लास्ट एंजल स्पोक अंतिम देवदूत बोला आर यू क्या आप हैं देन तब यू परफेक्टली प्योर पूर्ण रूप से शुद्ध इन हार्ट दिल से क्या आप दिल से पूरी तरीके से शुद्ध हैं ओ किंग हे राजा
इज योर हार्ट, क्या आपका दिल एज प्योर एज उतना सुंदर उतना शुद्ध है दैट की ऑफ लिटिल चाइल्ड, जितना कि उस छोटे बच्चे का था। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड, आप वास्तव में वर्दी योग्य हैं टू सीट ऑन हिज सीट, अपने सिंहासन पर बैठने के लिए। नो मतलब नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, वेरी मतलब बहुत, स्लोली मतलब धीरे से, राजा ने बहुत धीरे से कहा। नो नहीं, नो नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड और एड दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ दी एंजल फ्लू अवे, देवदूत उड़ गया इन टू द स्काई, आकाश में, बीरिंग मतलब ले जाते हुए, द स्लिम पट्टियों को अपान हिज हेड, अपने सिर पर, अपने सिर पर पट्टियों के लेते हुए देवदूत आकाश में उड़ गया। दिस वाजा हो, इसी तरीके से द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का नया सिंहासन डिसअपीयर, गायब हो गया फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए।